हेलो पीपल वेलकम बैक टू द चैनल आज बैक येट बैडमिंटन विट एवर पीपल लास्ट टाइम बैडमिंटन में हमने बात की थी हाउ डू यू चूज द परफेक्ट बैडमिंटन रैकेट फॉर यू पीपल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डू यू चूज द परफेक्ट स्ट्रेंग टेंशन पीपल स्ट्रिंग टेंशन क्या होनी चाहिए करेक्ट कौन सी होती है इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए कौन सी बिगिनर्स प्लेयर्स के लिए कौन सी लो स्ट्रिंग टेंशन के एडवांटेजेस हाई स्ट्रिंग टेंशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी बातें करने वाले हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दो प्लीज 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 अर नॉलेज गेट टू द वीडियो पीपल और एट पीपल स्ट्रिंग क्या होती है देखनी है तो भाई स्ट्रिंग ये होती है जो बैडमिंटन रैकेट में लगे रहते हैं इसे स्ट्रिंग बोलते हैं हम जिसे वायर या तार भी बोलो आप तो वो भी सही है टेंशन क्या होता है कितनी मजबूती से ये स्ट्रिंग जो जोड़ी जाती है रैकेट के अंदर कितनी मजबूती कितनी स्ट्रेंथ के साथ जोड़ी जाती है उसे टेंशन कहा जाता है विच कम्स इन टू इवेंचुअली स्ट्रिंग टेंशन नाउ स्ट्रिंग टेंशन डिपेंड्स ऑन थ्री पीपल ऑन थ्री थिंग्स पीपल एक पहली चीज़ जो है डिपेंड्स ऑन व्हाट रैकेट यू आर प्लेइंग विद अब मेरे पास यहाँ पे तीन रैकेट्स है अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो तीन तीन रैकेट्स है डिपेंड्स आप कौन से रैकेट के साथ खेल रहे हो डिपेंड करता है आप जैसे यहाँ पे पास में आओ तो फिर हर रैकेट के ऊपर मोस्टली लिखा होता है कि, कि कितना स्ट्रिंग टेंशन वो ले सकता है जैसे ये वाला रैकेट है तो दिस रैकेट कैन टेक 20 टू 30 एल तक का स्ट्रिंग टेंशन ऐसे एल में स्ट्रिंग टेंशन मेजर किया जाता है इसका मतलब है कि ये 20 से 30 एल तक इसका जो फ्रेम है वो स्ट्रिंग टेंशन होल्ड कर सकता है डिफरेंट रैकेट्स में डिफरेंट आते हैं लीनिंग के इसमें शायद शाफ्ट पे लिखा होता है कई रैकेट्स पे फ्रेम पे भी लिखा होता है ये वाला रैकेट के ऊपर कैप पे लिखा होता है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है सेकेंड थिंग इज डिपेंड्स ऑन द लेवल यॉर प्लेइंग एट अभी अगर आप एक बिगिनर प्लेयर हो तो आपके लिए 24 फोर एल बी एस तक का स्ट्रिंग टेंशन सही है उससे कम भी अगर आप रखना चाहो तो भी सही है इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए 24 फोर से ट्वेंटी एट एल बी एस तक का सही है और जो एडवांस प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ट्वेंटी एट एल बी एस से लेकर थर्टी फोर एल बी एस तक का स्ट्रिंग टेंशन परफेक्ट रहता है और जो तीसरी चीज़ है वो है आपका प्लेइंग स्टाइल और आपकी कंफर्टेबिलिटी प्लेइंग स्टाइल ऐसे है कि कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी डिफेंसिव खेलना पसंद करते हैं तो फिर वो लोगों के लिए कम टेंशन ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है कुछ लोग जो होते हैं ऑफेंसिव होते हैं अटैकिंग होते हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिंग टेंशन रखते हैं और एक तरह से कंफर्ट भी अगर आप देखने जाओ तो कंफर्ट का भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है तो ये तीन मेजर चीज़ें है जिनके ऊपर स्ट्रिंग टेंशन एक्चुअली डिपेंड करता है नाउ वे गोइंग टू टॉक अबाउट क्या लोअर स्ट्रिंग टेंशन बेटर होता है या हायर स्ट्रिंग टेंशन बेटर होता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों स्ट्रिंग टेंशन के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग विद द लोअर स्ट्रिंग टेंशन पीपल मेरे हाथ में अभी एक लीनिंग का रैकेट है जिसकी स्ट्रिंग टेंशन बहुत ज़्यादा लो है सिर्फ आवाज़ से ही पता चल जाता है आवाज़ से नहीं भी पता करना आप लोगों को todo feria यहाँ से भी आप लोग अगर अंगूठे से भी दबाओगे तो पता चल जाएगा कि इसकी स्ट्रिंग टेंशन लो है स्टार्टिंग विद द एडवांटेजेस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप इससे पिक करते हो लो स्ट्रिंग टेंशन से हिट करते हो या जो भी करते हो शटल जो है वो दूर ट्रैवल करती है यानी कि जब आप मारते हो तो स्ट्रिंग टेंशन इसकी स्ट्रिंग टेंशन की वजह से दूर ट्रैवल करती है अगर आपका स्ट्रिंग टेंशन लो है तो सेकेंड एडवांटेज इसका यह है यू गेट अ बिगर स्वीट स्पॉट अब जिन लोगों को स्वीट स्पॉट नहीं पता स्वीट स्पॉट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द रैकेट इसके

कोट में भी चली जाती है और फार भी ट्रैवल करती है एंड द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इसका जो है वो ये है कि भाई ड्यूरेबिलिटी एकदम बढ़ जाती है जो स्ट्रिंग टेंशन जो लो स्ट्रिंग टेंशन होती है तो तार की जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है इवन रैकेट के जो फ्रेम के वो भी बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है क्योंकि जब ये बांधा जाता है गटिंग के टाइम पर तो इसके ऊपर प्रेशर कम से कम रहता है तो अगर कभी क्लैश व्लैश भी अगर आपका गलती से हो जाता है तो डरना नहीं आपका ये स्ट्रिंग टेंशन और आपका रैकेट दोनों महफूज रहेंगे नाव इसका जो डिसएडवाटेज है वो एक ही है इसका कि जब आप शॉट्स रिटर्न करते हो तो जाती तो आपकी शटल बहुत दूर है लेकिन जो पावर है ना वो उतने पावर उतनी स्पीड के साथ नहीं जाता है सिर्फ इसका एक यही डिसएडवांटेज है हाईस्ट स्ट्रिंग टेंशन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो हाईस्ट स्ट्रिंग टेंशन का एडवांटेज जो होता है वो ये है कि पावर और कंट्रोल आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है अगर आप सही से इसको हिट करो तो बहुत ही चुम्मा एक तरह से पावर मिल जाता है कंट्रोल मिल जाता है मैं खुद थोड़ा हाई स्ट्रिंग टेंशन के साथ ही खेलता हूँ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील आती है एंड अगर हाई स्ट्रिंग टेंशन के साथ जो आप जो दूसरा एडवांटेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हाई स्ट्रिंग टेंशन के साथ अगर आप लोग खेलोगे तो शटल कॉक बहुत फास्ट मूव करती है अगर आप हल्का सा टुक भी करोगे ना तो शटल को बहुत ज़्यादा तेज़ जाके ट्रैवल करती है तो क्या है हाईस्टरिंग टेंशन के साथ वही लोगों को खेलना चाहिए जो लोग एक्चुअली कंफर्टेबल है दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग तो उस तरह के लोगों के लिए ही स्ट्रिंग टेंशन सही रहता है डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी है हाई स्ट्रिंग टेंशन रैकेट्स का जो पहला डिसएडवाटेजेज है वो एक कि इसके अंदर जो स्वीट स्पॉट है ना जो बीच है अब ये जैसा हमने लो स्ट्रिंग टेंशन में ज़्यादा था बट यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कम हो जाता है सो so, यू नो द परफेक्ट स्वीट स्पॉट जहाँ पे मैक्सिम पावर जनरेट करता है एक रैकेट वो इसके अंदर कम हो जाता है सेकेंड डिसएडवाटेज जो इसके अंदर है वो यही है कि यार स्वीट स्पॉट क्योंकि इसका कम हो जाता है तो यू ऑलवेज नीड द राइट टाइमिंग स्ट्रेंथ एंड टेक्निक टू हेट इट अगर थोड़ा भी उल्टा सीधा अगर आप मारोगे तो फिर देर आर चांसेस की शटल कोक उस तरह से ट्रेवल ना करें या वो पर्टिकुलर जगह पर ना जाए इवन दो इफ योर गेविंग अ ड्रॉप या अगर आप एक पर्टिकुलर स्मैश दे रहे हो तो वो उस तरह से नहीं जाएगी जिस तरह से आप लोग चाहते हो एनी वे यू नीड स्ट्रेंथ टू प्ले बैडमिंटन आई गेट दैट लेकिन हाई टेंशन वाले रैकेट्स के साथ थोड़ी ये दिक्कत हो जाती है एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इसका जो हो जाता है वो ये है ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है रैकेट्स की जैसे कि अभी आप लोग ये एक रैकेट मेरे पास देख रहे हो तो ये रैकेट जब क्लाश हुआ था मेरा किसी एक के साथ बना प्लेइंग डबल्स तो किसी हाथ क्लाश हो गया था और इसी तरह से ये इसकी कट करके बाहर आ गई थी ये एंड आई थिंक थोड़ा बहुत नीचे भी घिस गया था इसलिए हो गया था बट द मोमेंट इट क्लाश विद समन एल्स तो थोड़ी सी इसकी स्ट्रिंग टेंशन है स्ट्रिंग टेंशन के स्ट्रिंग एक बाहर आ गया या टेंशन तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर तो ये हो जाता है कि ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है स्ट्रिंग्स की एंड इवन फ्रेम की तो अगर आप क्लाश किसी के साथ करते हो या अगर आप गलत स्पॉट पे बार बार मारते हो इफ आर नॉट अचीविंग द स्वीट स्पॉट हमेशा और गलत स्पॉट पे जा रहे हो तो चांसेस है कि जल्दी स्ट्रिंग टूट सकती है क्लासेज अवॉइड करना ट्राई टू हिट इट एट द राइट स्वीट स्पॉट जब भी आप लोग हाई टेंशन वाले रैकेट्स के साथ खेलते हो और लाइट पीपल दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड ऑफ द वीडियो पीपल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ ट्राई टू गेट टू नो योर गेम स्ट्रिंग टेंशन के बारे में जितना भी है तभी आप लोग जज कर पाओगे कि आप लोगों के लिए एक्चुअली स्ट्रिंग टेंशन कौन सी है बेटर है लोअर हायर जो भी आप लोगों को लगानी ताकि डिफरेंट थिंग बट सेल्फ एनालिसिस करो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो कैसे आप लोग एक्चुअली जब कोर्ट पे जाते हो या अगर आप लोग आउटडोर भी खेलते हो किस तरह से आप लोगों की मूवमेंट्स होती है किस तरह से आप लोग गेम खेलते हो किस तरह पिक करते हो या ऑफेंसिव खेलते हो जो भी सारी चीज़ें सेल्फ एनालिसिस कर लेना एंड आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल अगेन हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है कमेंट्स में भी मेरे को बता देना क्या फील करते हो क्या नहीं करते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम